हेलो रेडियंस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारे पिछले दो चैप्टर को हम लोगों ने कुछ वीडियोस के माध्यम से कवर किया, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ज्योग्राफी के क्लास सिक्स के आपको चैप्टर थ्री को कवर करेंगे, जिसका शीर्षक है, जिसका टाइटल है मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन ऑफ द अर्थ में हमारे कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग अभी देखेंगे, जिसमें हमारा रोटेशन होगा, रेवोल्यूशन होगा, ऑर्बिटल प्लेन्स क्या होते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, ऑर्थ डे क्या होता है, और एक हमारा इसमें आएगा क्या, सीजन्स, यानी कितने प्रकार के हमारे क्या हैं, सीजन्स हैं, उसे हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, शुरुआत करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले जितने वीडियोस हम लोगों ने अपलोड किए उसको आपने नहीं देखा है, कृपया जाकर उन सारे वीडियोस को लाइन से सिक्वेंस मैनर में कंप्लीट करें, तभी ये चैप्टर्स, तभी ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहली चीज़ जो मैं बता दूं, मोशन ऑफ द अर्थ, चैप्टर के नाम से आप क्या समझ रहे हो, चैप्टर के नाम से ये समझ में आ रहा है कि अर्थ किस प्रकार क्या करता है, मूव करता है। मोशन को आप मूवमेंट कह सकते हो। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, जो अर्थ की मूवमेंट होती है वो हमेशा दो प्रकार की होती है, एक रोटेशन होती है और एक रिवोल्यूशन होती है। ठीक है, रोटेशन मीन्स वॉट एंड रिवोल्यूशन मीन्स वॉट, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। रोटेशंस मीन धरती अपने ही एक्सिस पर इस तरीके से घूम रहा होता है, समझ पा रहे हो, यानी कोई अगर मान लीजिए एक हमारे पास बॉल है, तो वो बॉल अगर इस तरीके से अपने जगह पर ही घूम रहा है तो उसे आप रोटेशन कहोगे। क्लियर है? ठीक है, और रेवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, रेवोल्यूशन मीन्स वो इसी तरीके से घूमते हुए आगे भी बढ़ेगा और इस तरीके से क्या करेगा, सूर्य की आपको वो ऑर्बिट में क्या करेगा, घूमता रहेगा, सराउंड करेगा उसे। इसे फिगर के माध्यम से समझिए, अगर अर्थ क्या करता है, अपने ही जगह पर क्या कर रहा है, वो घूम रहा है। ठीक है, इस तरीके से अपने ही जगह पर वो घूम रहा है, अपने ही एक्सिस के ऊपर, तो इसको आप रोटेशन कह सकते हो। ठीक है, एक्सिस क्या है अभी मैं समझाता हूँ, रेवोल्यूशन क्या है, मान लीजिए सन है, तो सन के ये क्या कर रहा है, इस तरीके से इसको एलिप्टिकल ऑर्बिट में कवर कर रहा है। ठीक है, उसे ऑर्बिट, अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट पर वो उसे क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, तो इसको आप कह सकते हो ये क्या कहलाएगा, रिवोल्यूशन कहलाएगा। दोनों के बीच का फर्क आपको अभी समझ में आ गया होगा। रोटेशन में जो एक्सिस है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्यों, क्योंकि अगर ये आपका अर्थ है और ये आपका सन है, तो अभी ध्यान से इस चीज को सुनना, इस पर्टिकुलर आप डायग्राम को अच्छे से देखोगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, हमेशा याद रखिए, जो हमारा ये है एक्सिस है वो नॉर्थ और साउथ पोल को डिनोट करता है। आपको पता है कि धरती क्या है, थोड़ी बहुत टिल्टेड है, टिल्टेड मतलब वो सीधी नहीं है। अगर आप अर्थ को ऐसे देखते हो तो गलत देखते हो, क्यों, क्योंकि अर्थ आपका थोड़ा सा इस तरीके से टिल्टेड है, यानी कि आप देखो नॉर्थ पोल यहाँ हो रहा है आपका और साउथ पोल यहाँ हो रहा है आपका। ठीक है, यानी अर्थ हमारा सीधा ना होकर के थोड़ा सा इस तरीके से क्या है, टिल्टेड है। टिल्टेड होने की वजह से क्या होते हैं, आपको यहाँ पर दिन और रात का डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे सीजन्स होते हैं तो उसको हम लोग इस डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ क्या, इक्वेटर जो है, जाहिर सी बात है जो हमारा ये नॉर्थ और साउथ पोल है उसी के हिसाब से इक्वेटर होगा, तो ये इक्वेटर है हमारा। ठीक है, और ये वाला हमारा क्या है, आप नॉर्थ और साउथ पोल का आपका प्राइम मेरिडियन आप कह सकते हो। ठीक, क्लियर है, कैसे जा रही है धरती, कैसे रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत। और इसमें क्या जाननी, और एक चीज, ये जो आप देख रहे हो लाइन, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, अब मैं ये क्या क्यों कह रहा हूं, और इसको या फिर अंबा लाइट भी कहते हैं। ठीक है, अंबा लाइन ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो आपको सूर्य की किरणें, वो सूर्य की किरणें इस तरीके से पड़ रही है धरती के ऊपर। ठीक है, धरती हमारा सीधा ना होकर के थोड़ा टिल्टेड है, तो जो किरण, सूरज की किरणें आएंगी वो इतने दूर तक क्या होंगी, वो कवर करेंगी, याद रखिएगा, इस तरीके से यहां तक वो पड़ेंगे। क्लियर है, तो धरती का कुछ हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा जिसे आप कह सकते हो क्या, 23.5 डिग्री आपका एक्स्ट्रा जो आपको बाहर निकल कर आ रहा है, और इधर 20.5 डिग्री अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो,
तो ये वाला जो पूरा का पूरा लाइन है, इस लाइन को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपको लाइट रीजन को दिखाता है। यानी इधर वाला रीजन में हमारा क्या होगा, डे होगा। तो इधर वाले जितने भी ये पोर्शंस देख रहे हो, इस लाइन के पीछे वाले पोर्शन ये हमारे नाइट होंगे। समझ पा रहे हो क्या? बहुत इजी वर्ड में आपको बता दूं कि धरती सीधी नहीं होकर थोड़ी सी टिल्टेड है, टिल्टेड है, तो ये हमारा नॉर्थ और साउथ पोल हो जाता है। यानी कि इस तरीके से ये प्राइम मेरिडियन और इस तरीके से इक्वेटर हो गया। ओके, तो जाहिर सी बात है जो सन की रोशनी आएगी वो तो धरती के आधे हिस्से में ना पड़ेगी, आधे हिस्से में पड़ेगी। तो आधे हिस्से में पड़ेगी तो इतने दूर वो क्या करता है, वो धरती का रोशनी इधर जब आ रहा होता है तब वो क्या होता है, दिन होता है, और जब ये फिर से घूम जाता है तो इधर हमारा क्या हो जाता है, रात हो जाता है। यानी डे और नाइट 12 आवर्स के डिफरेंसेस पर आपको ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है 24 घंटे में वो क्या कर जाता है, रोटेट कर जाता है अपने एक्सिस पर। ठीक है, समझ में आ रहा है? और जब ये रोटेशन करता है 24 घंटे में, वो एक रोटेशन को हम अर्थ डे कहते हैं। आपसे बहुत ही छोटा सा एक लाइन करके डेफिनेशन पूछेगा, व्हाट इज अर्थ डे? तो अर्थ डे इज नथिंग, वन रोटेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थ डे। ठीक है, यानी एक 24 घंटे में जब अर्थ ने क्या किया, रोटेट किया अपने ही एक्सिस पर, अपने ही एक्सिस पर। मान लीजिए इस तरीके से आप ग्लोब देखते होगे, तो ग्लोब में क्या होता है, धरती सीधी तो दिखती नहीं आपको, ग्लोब में इस तरीके से लगाया जाता है आपको क्या, ठीक है, और ये इस तरीके से घूम रही होती है ग्लोब। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे आप ग्लोब में देखते हो बिल्कुल सेम आपको धरती यहां पर भी देखने को मिल रही है। क्लियर है? तो अर्थ डे किसको कहते हैं, जब एक रोटेशन वो पूरा कंप्लीट करता है 24 घंटे का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन वो कितने दिनों में करता है भाई, तो एक रेवोल्यूशन को करने में, वन रेवोल्यूशन को करने में उसे 364 डेज लगते हैं और 6 आवर्स लगते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं। ओके, तो 365 डेज जो हमारे हैं वो हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, और 6 डेज को हम लोग काउंट अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको छोड़ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि 6 घंटे का आपका कोई प्रॉपर एक दिन नहीं बनता। आपको पता है वन डे के लिए कितने घंटे चाहिए भाई, 24 आवर्स चाहिए, यानी एक दिन के लिए 24 आवर चाहिए, हमारा 6 घंटा ही बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसको रिजर्व में रख देते हैं, हटाते भी नहीं है, डिलीट भी नहीं करते, रिजर्व में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इन 6 घंटों को हम लोग जोड़ते चले जाते हैं। अगर 6 घंटे को आप जोड़ते हो 4 बार, तो ये कितने हो जाएंगे, 64 जो आपका 24 हो जाएगा, यानी कि 24 आवर कंप्लीट हो गया। और ये हर एक साल में होता है, 1, 2, 3 और 4। तो हमेशा याद रखिएगा इन 6 आवर्स को हम लोग क्या करते हैं, हर 4 साल पर जोड़ देते हैं आगे। ठीक है, इसे और इजी करके समझते हैं। जैसे धरती अगर 365 में रोटेट कर जा रही है एक साल में, तो उस साल के 6 घंटे क्या हो गए, बच गए। तो उस 6 घंटे को हम लोगों ने पहले ईयर के 6 घंटे को हम लोगों ने रख लिया। ओके, दूसरे के 6 घंटे को रख लिया, इसलिए 6 घंटे रख लिया, 24 घंटे हो गए हमारे पूरे 4 साल में, 4 ईयर में। तो इस पूरे जब हमारा ये आता है 4 साल बाद, तो ये हमारा जो 365 है तब ये हो जाता है 366, यानी कि +1, यानी एक दिन और जुड़ जाता है, और उस ईयर को हम लोग, ठीक है, लीप ईयर कहते हैं। कौन सा ईयर कहते हैं भाई, लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर कैसे बनता है हमारा, जैसे बहुत से सवाल आते हैं कि ये साल लीप ईयर है या नहीं, अगला साल लीप ईयर होगा या नहीं, तो हमेशा याद रखना लीप ईयर जो है आपको वो इसलिए बनता है क्योंकि हर साल के 6 घंटे आपको जुड़कर 4 साल बाद एक 24 घंटा बनाते हैं, यानी एक पूरा दिन बनाते हैं। तो उस दिन को हम लोग हर 4 साल बाद बढ़ा देते हैं और 365 डेज ना काउंट करके 366 डेज काउंट करते हैं, और इस प्रकार क्या होता है हमारा रेवोल्यूशन का, आपका लीप ईयर देखने को मिलता है। आई होप सो रोटेशन क्लियर होगा आपको, रेवोल्यूशन क्लियर होगा आपको। अब आते हैं ऑर्बिटल प्लेन पर। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था ये कि हमारा क्या है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी अम्बा लाइन है, यानी कि इतने दूर रोशनी आ रही है और इतने दूर इसके पीछे की रोशनी नहीं पड़ रही है, इधर सारा अंधेरा हो जा रहा है। ओके, और ये जो लाइन थी हमारी वो क्या थी, पोल वाली लाइन थी। तो याद रखना ये जो 66.5 डिग्री बन रही है, यानी कितनी धरती झुकी हुई है उधर, टिल्टेड है,
टिल्टेड कितनी है, तो 66.5 डिग्री को आप क्या कहते हो, ऑर्बिटल प्लेन कहते हो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो मैं आशा करता हूँ ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स आपको क्या होंगे, क्लियर होंगे, समझ में आए होंगे। और इसके बाद जो हम लोग कवर करेंगे वो हमारा सीजन्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीजन्स में देखेंगे, कितने तरह के सीजन्स होते हैं और वो कैसे बन रहे हैं। ओके, तो ये बात करते हैं कितने तरह के सीजन्स होते हैं और ये सीजन्स कैसे डेवलप होते हैं। ठीक है, अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन की मदद से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन्स धरती पर कैसे बनते हैं और किस मंथ में कौन सा सीजन होता है। ठीक है, सीजन्स की जब भी बात करेंगे तो उससे पहले आपको जो चीज़ समझनी हो या कि तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है इक्विनॉक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और एक सॉल्स्टिस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहले ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको समझना है, इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे एंड नाइट, और सॉल्स्टिस का मतलब क्या, आपको या तो दिन लंबे होंगे या तो रात छोटी होंगी, या फिर रात लंबी होंगी तो दिन छोटे होंगे। अब जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायग्राम के इमेज के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, हम शुरुआत करेंगे आपको इस पर्टिकुलर रीजन से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था क्या, धरती टिल्टेड है, तो धरती इस तरीके से ना हो गया, थोड़ी सी इधर से टिल्टेड है, तो ये जो हमारा क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल है, और ये हमारा इल्यूमिनेशन लाइट है, यानी इतने दूर क्या हो रहा है, हमारा रोशनी पड़ रही है, इतने दूर रोशनी आधे में पड़ रही है, तो दिन है और इतने में रात है। ठीक है, ये ऊपर वाला रीजन हमारा क्या है, नॉर्दर्न पार्ट है, ये नॉर्दर्न पार्ट रीजन है और ये सदर्न पार्ट रीजन है। समझना आपको क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चीज याद रखिएगा, तारीख जो रहती है वो 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को क्या होता है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर सबसे ज्यादा क्या पड़ता है, हमारा लाइट पड़ता है। जैसे आप देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ पर है, तो ये जो रोशनी पड़ रही है आपको यहाँ पर सीधे पड़ रही है, आप देख रहे हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर सन की जो किरणें हैं वो सीधे पड़ती हैं। ठीक है, इसको हम लोग विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर, यानी कि विंटर सॉल्स्टिस का मतलब क्या समझे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, यानी अगर ये धरती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर सॉल्स्टिस में क्या होगा, हमारा विंटर होगा, और सदर्न हेमिस्फेयर में हमारा क्या होगा आपका, ठीक है, ये समर होगा। अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं इंडिया के मौसम से। ठीक है, आपको पता है इंडिया में दिसंबर में क्या चल रहा होता है, विंटर सीजन चल रहा होता है, चलता है, तो हम लोग कहाँ हैं, नॉर्दर्न रीजन में हैं। दिसंबर में भारत में विंटर का मौसम होता है और हम नॉर्दर्न रीजन्स में हैं, तो हाँ जाहिर सी बात है हमारे यहाँ भी विंटर होगा, तो आप वेरीफाई कर चुके हो, समझ में आ गया कैसे है। और एक चीज़ क्या समझ रही है, 22 दिसंबर को क्या होता है, हमारा लॉन्गेस्ट नाइट होता है और शॉर्टेस्ट डे होता है, इसका मतलब समझो आप, यानी कि जो 24 घंटे हैं पूरे दिन के, 12-12 घंटे में बटे हुए हैं, ये 12 घंटे के दिन है, 12 घंटे की रातें हैं, तो 12 घंटे का क्या है, आपको दिन ना होकर मान लीजिए थोड़ा कम हो गया, 11 घंटे आपको 11.5 घंटे के हो गए, और उधर क्या हो गया हमारा 12.5 घंटे का हो गया, यानी कि जो रातें हैं सबसे लंबी मिलेंगी आपको कब, विंटर सॉल्स्टिस में। ये समझ में आ गया, एक क्विक रिविजन कराता हूँ, ध्यान से सुनना, ये जो हमारा धरती है नॉर्थ और साउथ पोल टिल्टेड है, तो इधर से जो रोशनी आ रही है सूर्य की, वो आधे एरिया में क्या कर रही है, दिन कर रही है, और आधे एरिया में रात कर रही है। इस पूरे रीजन को विंटर सॉल्स्टिस किस लिए हम लोगों ने कहा, क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, आप देखो इस टिल्टेड होने की वजह से अभी ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर क्या पड़ रहा है, हमारा सीधा का सीधा क्या पड़ रहा है, इस तरीके से रोशनी पड़ रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर अगर सीधी डायरेक्ट सन की रेज पड़ रही हैं, तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम लोग विंटर सॉल्स्टिस के नाम से जानते हैं भारत में। ये आप देखोगे 22 दिसंबर के आसपास देखने को मिलता है, जब आपको लॉन्गेस्ट नाइट और शॉर्टेस्ट डे देखने को मिलता है। हेमिस्फेयर के हिसाब से आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस वक्त ठंड का मौसम चल रहा होता है, और सदर्न हेमिस्फेयर में हमारा समर का मौसम चल रहा होता है। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां बढ़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, जब धरती क्या करती है आपको रिवॉल्व करके आगे बढ़ती है, तो ये जो आप देख रहे हो इस तरीके से जो रोशनी पड़ रही है, ठीक है, तो रोशनी पड़ने की वजह से ये जो रीजन हमारा वो क्या हो जाएगा, लाइट वाला रीजन हो जाएगा। इस वक्त क्या आप देखोगे कि आपको इक्विनॉक्स का कॉन्सेप्ट आता है, इक्विनॉक्स का कॉन्सेप्ट मतलब तो आप लोग क्या समझते हो, इक्विनॉक्स का मतलब होता है क्या, इक्वल, इक्वल क्या, इक्वल डे एंड नाइट, ऑलवेज रिमेंबर, इक्वल डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि जब स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा तो आपको वो 21 मार्च को होगा भारत में, आपको ये देखने को मिलेगा, उस वक्त आपको क्या मिलेंगे, इक्वल डे और नाइट मिलेंगे। ठीक है, अब नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से देख ले, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में इस वक्त आपका स्प्रिंग होगा
और साउथ हेमिस्फेयर में इस वक्त आपका ऑटम का सीजन चलेगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। धरती और क्या करती है, रिवॉल्व करके और आगे बढ़ती है। तो इस वक्त जब धरती आगे बढ़ती है तो आप देखोगे, अब जो सूर्य की किरणें हैं वो किस पर पड़ेंगी सीधी, वो आपको क्या हो गया, इस तरीके से इक्वेटर हो गया, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, याद रखना। यानी कि समर सोल्स्टिस जब भी होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होंगी, ठीक है। और याद रखना, दो तरीके से याद रखना, या तो समर सोल्स्टिस होगा तो ये समझ लो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन के जो रेज डायरेक्ट फॉल कर रहे हैं, या फिर पीछे से याद रखो, अगर सन के रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट फॉल कर रहे हैं तो समर सोल्स्टिस होगा। तो समर सोल्स्टिस में हमें क्या जानना है, समर सोल्स्टिस में यह जानना है कि जस्ट इसके अपोजिट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है, इसकी जो डेट है वो 21 जून है, यानी 21 जून को समर सोल्स्टिस हमारे देखने को मिलते हैं। और इस वक्त आपको लॉन्गेस्ट डे होता है, शॉर्टेस्ट नाइट होता है, यानी जो दिन है वो आपने देखना ज्यादा होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ समर में क्या होता है, विंटर में क्या होता है। समर में आप क्या करते हो, शाम के 5, 6, 7 बजे तक भी खेल रहे हो तो फील्ड में जाकर, और रातें नहीं होती उस वक्त उतनी जल्दी। आपने इस चीज़ को देखा है कि समर में खासकर गर्मियों की छुट्टी में जब आपको छुट्टियां मिलती हैं तो आप क्या करते हो, फील्ड में अपने दोस्तों के साथ शाम के 5, 6, 7 बजे तक भी क्या कर रहे हो, तो खेल रहे हो, क्योंकि रोशनी होती है। और हमारे भारत में एक नियम क्या है, रोशनी खत्म हुई तो घर लौट कर आना है, नहीं तो पिटाएंगे मम्मी पापा द्वारा, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको समर में जो रोशनी है वो थोड़ी ज़्यादा देर तक शाम में टिकती है, पर जैसे ही आप क्या हो जाते हो, विंटर में आ जाते हो, तो विंटर में क्या होता है आपका, शाम के 5 बजे के आसपास ही रात होने लगती है, ओके। यानी आपको कम समय मिलता है। सिंपल समझ में आ गया कि विंटर के समय में जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं, ओके। और समर के समय में क्या होता है, जो हमारे दिन होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब साउथ सदर्न और आपको क्या हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से इसको समझो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त क्या हो रहा होगा, तो ये इस वक्त हमारा समर चल रहा होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या हो रहा होगा, इस वक्त विंटर चल रहा होगा। चलिए वेरीफाई करते हैं जैसे हम लोगों ने यहाँ वेरीफाई किया था। आइए बात करते हैं जून की। तो मैं बात करूँ मई में आप लोगों को क्या होते हैं, गर्मियों की छुट्टी मिलती है, मई और जून में आपको स्कूल खुलते हैं गर्मियों के बाद, ठीक है। तो जून के आसपास क्या होता है, गर्मी आप देखते हो, ठीक है, साल हर साल आपको गर्मी की छुट्टी मिलती है, तो आपको पता है कि मई जून के आसपास आपके स्कूल बंद हो जाते हैं फिर खुल जाते हैं। तो भारत में जब जून में क्या होती है, गर्मी होती है, तभी तो गर्मी की छुट्टी मिलती है, समझ पा रहे हो। तो भारत कहाँ सिचुएटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है भाई, अभी समर हो रहा है, तो समर सोल्स्टिस भारत में 21 जून को देखने को प्रॉपर मिलेगा, क्लियर है। समझ में आ गया कि इस तरीके से हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब जस्ट जब हम लोग यहाँ आते हैं तो ये इसके अपोजिट हो जाता है, अपोजिट विच मीन्स दैट कि अभी जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी वो सीधे धरती पर पड़ेंगी और आधे पोर्शन एरियाज को कवर करेंगी। इससे क्या होता है कि 23 सितंबर को क्या होता है, हमारा इक्विनिक्स का फिर से कॉन्सेप्ट चालू हो जाता है, इक्वल डे और इक्वल नाइट फिर से होती है। अभी डिफरेंस क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या होगा, आपका ऑटोमन होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, हमारा स्प्रिंग होगा, बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट। आप देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग था, सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटोमन था। अभी क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा ऑटोमन हो जाएगा और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा स्प्रिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है या इसकी वजह से ही मौसम अलग अलग होते हैं। आपके मौसम कितने हैं, विंटर, ठीक है, ऑटोमन, ये आप कह दो आप क्या है, समर या फिर स्प्रिंग, तो चार मौसम है। और चारों मौसम कब कब आ रहे हैं आपके रीजन में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये आप क्या हो गया, समझ गए हो गया आप, ठीक है। तो कभी भी अगर आप बात करोगे कि चारों मौसम आपके इंडिया में कब कब आएंगे, तो आप जब इंडिया की बात करते हो तो अगर हम समर की बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, समर की बात कर रहे हैं, यानी नॉर्दर्न रीजन में हम हैं, तो सीधी सी बात है हम लोग कब है, जून और मई के, जून के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, ओके। विंटर की बात कर रहे हैं, याद रखिए ये भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ओके, मैं सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का काउंट कर रहा हूँ। विंटर में आप देखते हो क्या, दिसंबर के आसपास हम लोग को देखने को मिलता है। फिर आप क्या देख रहे हो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या स्प्रिंग है, ठीक है, मंथ आपकी क्या है, मार्च के आसपास चल रही है,
और उसके बाद ऑटोमन हमारे भारत में जो कब आता है, ये सितंबर में आता है। तो इस तरीके से आप चार हिस्सों में आप भारत को मौसम को क्या कर सकते हो, विभाजित कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, क्लियर है? आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जाने से पहले यानी चैप्टर के अंत करने से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हुआ जाना चाहता हूँ भैया, कि अगर ये हमारी धरती है और ये हमारा पोल है और ये हमारी इल्यूमिनेशन लाइट है, याद रखना ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, यानी कि इधर आर्कटिक मिलेगा आपको और इधर हमारा अंटार्कटिक मिलेगा। ओके, समझना क्या है आपको, यहां पर क्या होता है सूर्य की किरणें जो सीधे पड़ती हैं इस तरीके से, तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये वाले जो रीजन है आपको बस सूर्य की किरणें बस यहीं तक पड़ रही हैं, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल का जो ये वाला अभी रीजन आप देख रहे हो, इस रीजन में अंधेरा रहता है, याद रखना। यानी कि 6 महीने के लिए क्या हो जाती है, 6 मंथ आपको यहां पर रातें हो जाती है, नाइट हो जाता है। और यहां पर आप ये वाला जो रीजन देख रहे हो इस तरीके से, तो यहां पर आपको 6 मंथ क्या मिलेगा, दिन मिलेगा। तो बहुत अजीब बात है ना, कि आप तो जिस देश में रहते हो, जिस हेमिस्फेयर में रहते हो, वहां पर आपको हर 12 घंटे पे दिन हो जाती है और हर 12 घंटे पर रातें हो जाती हैं, परंतु इस देशों में रहने वाले लोग, ठीक है, ओके, यहां पर आपको जनरली क्या होते हैं, ये लोग 6 महीने तक दिन ही देखते हैं। ओके, सोते कब होंगे, उठते कब होंगे, इनकी टाइमिंग कैसे ये लोग अरेंज करते होंगे, तो ये लोग क्या है, वहां के हैबिचुअल हैं, ठीक है, वहां के इनको आदत है रहने की, ठीक है, वहां के ठंड बर्दाश्त करने की, तो ये लोग अपने टाइमिंग को अरेंज करके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करके अपने दिनचर्या को वो चला रहे होते हैं। पर अगर आपको वहां भेज दिया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि दिन कब हो गया, ठीक है, या फिर आपकी रात जो भारत में होती थी वहां कब हो रही है, समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि वहां पर आपको हमेशा 6 महीने दिन ही मिलेंगे और यहां 6 महीने आपको रात ही मिलेंगे, ठीक है, और ये रिवर्स होता रहता है 6-6 महीने पर, याद रखना, ठीक है, 6 महीने दिन हुए तो 6 महीने रातें हुई, समझ पा रहे हो? ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा टिल्टेड है अर्थ, हमारा थोड़ा सा इस तरीके से टिल्टेड है और थोड़े सा इसे घूमने की वजह से क्या हो गया है आपको, कि इस तरीके से नॉर्थ के कुछ रीजंस देखो थोड़े से एक्स्ट्रा कवर हो गए हैं और इधर साउथ के रीजंस थोड़े से कम कवर हुए हैं, ठीक है, यानी रोशनी यहाँ थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है नॉर्थ में और साउथ में थोड़ी रोशनी कम पड़ रही है, यानी ये नाइट वाले रीजन में आ जाता है तो ये हमारा डे वाले रीजन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये लाइट, ये क्योंकि ये लाइन जिसके हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, वो क्या करता है, डे और नाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड थे, आशा करता हूँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, कितने सीजन से समझ में आएंगे, कैसे सीजन डेवलप होते ये समझ में आएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा उस चैप्टर में हम लोग मैप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मैप्स कितने तरह के होते हैं, क्यों हमें पढ़ना है मैप्स के बारे में, इसकी क्या अपनी फीचर्स हैं। ओके, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।